ये अंतर्मुखी बहिर्मुखी का झगड़ा क्या है, ये बात आई। उस पर हमारा निष्कर्षों को अभी बताना चाहते हैं। अंतर्मुखी का मतलब है तो समझदारी को उपार्जित करना, मूल्यांकन करना। समझदारी प्रमाणित हुआ नहीं हुआ इसको प्रमाणित करना माने मूल्यांकन करना अंतर्मुखी कार्य है, और समझदारी को उपार्जित करना अंतर्मुखी कार्य है। अभी हम कोई चीज अध्ययन कराता हूं, जीवन में अपने ही मन से जो इसको स्वीकारना ना स्वीकारना, इसको हर विद्यार्थी सोचता है। जैसा आप भी ये बैठे हैं, हमारे बात आप सुनते भी हैं, सुन के भी बहुत सारे बातों को आप सुनने की बात उसके अर्थ में जाते हैं, अर्थ में जाने के बाद उसका स्वीकृति होती है, उसको प्रमाणित करने योग्य बन जाते हैं। अर्थ स्वीकृति होने से समझदारी हुई, अर्थ स्वीकार नहीं हुआ तो केवल सुना है, ऐसा बात बन गए। उसमें अपन ये भी एक जगह में आए कि भाई अर्थ स्वीकार होना चाहिए। अर्थ यदि समझ में नहीं आता तो शब्द का कोई मतलब नहीं है। उसको और जगह में भी इसको ये ले गए, किसी का नाम होगा तो वो नाम ही मिलना चाहिए। जैसा आपका नाम है, आपका नाम याद करने मात्र से आप मिले नहीं हैं, ठीक है। तो हम नाम का बड़ी ख्याति की एक गाया है ना, ना क्या है, राम से अधिक राम कर नामा, ये भी हम बताना चाहे। इस प्रकार से बहुत सारे वितंडावाद पैदा, अंत में ये निकलती है यदि किसी का नाम है तो वो नाम ही मिलने पर ही तृप्ति होती है, नाम से कोई तृप्ति होने वाला नहीं है। यहां इस निष्कर्ष पर हम आ गए, मैं उस पर तुला हूं, ठीक हो गए, बात यहां पहुंचे। उसी आधार पर अंतर्मुखी बात जो बात होती है, ये अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन के अनुसार ज्ञान अर्जन, विवेक अर्जन अथवा समझदारी से संपन्न होने की प्रक्रिया है। तो अभी तक अपना सोचना यह था, समझदारी एक बहुत बड़ी भारी समझदारी का ही अर्थ माने अंतर्मुखी कार्य एक समझदारी ही है, अंतिम समझदारी ऐसा सोच लिए, इसीलिए ये छाती का पीपल हो गया। कैसा पीपल हो गया भाई, अंतर्मुखी जिसने घोषणा किया अपने को, संसार से द्वेष के अलावा दूसरा कुछ कर्वे नहीं करते हैं, संसार को दुख रूप माने बिना अंतर्मुखी कोई होता ही नहीं है, संसार को ये क्लेश रूप माने बिना अंतर्मुखी हो ही नहीं सकते हैं। इसका ये दो सूत्र है। और संसार को क्लेश रूप आदिकाल से वेदांतियों ने बताया ही है, क्लेश कर्मों को कर्म भी क्लेश कारण है, इसलिए संसार और संसार के काम दोनों क्लेश का ही अर्थ ऐसा बताया। क्लेश से राहत पाने के लिए पुण्य की बात किया, पुण्य की बातों में वो कैसे गुजरा, वो पहले अपन चार वर्ण चार आश्रम उसके बाद उपासना विधि ये सब आ करके ये गुजरते हम एक जगह में आ गए हैं विज्ञान युग की एक चरण में, जिसमें विज्ञान स्वयं एक प्रकार से स्तंभित कुंठित निरुत्तरित होने की जगह में हम आ चुके। क्या स्थिति में आए हैं, विज्ञान कहाँ है, एक प्रकार से स्तंभित, ठीक है। किस आशय से स्तंभित, सर्वप्रथम विज्ञान ये अपना अरमान बताया कि भाई प्रकृति पर हम विजय पाएंगे, विजय पाने का काम करेंगे, वो नहीं हो पाया, उसे वह स्तंभित है, ठीक। विज्ञान से मनुष्य को अमन चयन मिलेगा, मनुष्य सुख शांति से जिएगा, ये दूसरा घोषणा, वो हुआ नहीं। और भी कलह झगड़ा और समस्याएं हर दिन बढ़ता गया, ये तो मनुष्य के संदर्भ में हुआ। सबसे बड़ा समस्या ये आके खड़ा हुआ, मनुष्य के सारे मनुष्य के ऊपर तलवार ऐसा घूम गया कि धरती बीमार हो गए। धरती बीमार होने से मैंने अनजान जान है ना, ज्ञानी विज्ञानी सबके सिर पर एक ही तलवार घूमने लग गए, मनुष्य इस धरती पर रहेगा नहीं रहेगा, ये प्रश्न चिन्ह में आ गए। इससे
वो कुंठित हो गए। ठीक है, ये कुल मिलाकर के विज्ञान की संसार की गति, जहां उसका फल परिणाम, उसके आधार पर विज्ञान की स्थिति इस ढंग से समीक्षित हो पाता है। इसके पहले अध्यात्मवाद में अंतर्मुखी बात आई थी, क्योंकि संसार को क्लेश रूप समझा, अंतर्मुखी होने से ही कहीं ना कहीं राहत है। अंतर्मुखी का अंतिम छोर समाधि बताया, उसके पहले ध्यान बताया, ध्यान में भी काफी राहत मिलती है ऐसा बताया, उसमें काफी लोग अपने को जूझा। जूझने के बाद वो समाधि में भी कोई कोई गया होगा, अंत तो गत्वा समाधि के बाद भी, जैसा मैं समाधि को देखा समझा, उसमें उस स्थिति में हम ना तो हम ज्ञानी हो ये भी नहीं बता सकते थे, ना ये भी नहीं बता सकते थे हम अज्ञानी हो, बड़ा मुश्किल की कथा है। ये भी हम नहीं बता सकते थे कि हम सुखी हो गया हूं, ये भी हम घोषणा नहीं कर सकते थे हम दुखी हो गया हूं। उस जगह में आए तब हमको पता चला, शास्त्रों में लिखा है समाधि का सुख सुख दुख से परे, इसी को देख करके लिखा होगा ऐसा हमने संतना लगाया, तो जिस बात के लिए समाधि के लिए हम प्रयत्न किया वो मिला नहीं। मूल मुद्दा यही था भाई, ये जो बंधन और मोक्ष की बात कहते हैं, तो बंधन पूरा वेदांत को पढ़ने के बाद यही प्रश्न चिन्ह बनती है, ये ब्रह्म ही बंधन का कारण है, उसका छोटा सा स्वरूप यही है, आत्मा आत्मा के रूप में ब्रह्म जीवों के हृदय में बैठ गया, अब जीव जो है ब्रह्मवश कर्म बंधन में आ गया। यदि उसके बाद मोक्ष कैसा होता है, बोले आत्मा परमात्मा में विलय हो जाता है, ये बताया। तो जब जीव के हृदय में आत्मा नहीं रहता, जीव जो है ना अपने आप से मुक्त था, है काय के लिए बैठ गया भाई, एक बुद्धू आदमी भी नहीं बैठेगा, एक जितनी बड़ी भारी ज्ञान काय को बैठ गया उसके अंदर, इस प्रश्न का उत्तर कोई दिया नहीं, न शास्त्रों में लिख पाए हैं, उसको हम स्वयं ही खोजने के लिए गए, अंततोगत्वा ये हुआ। तो हम बंधन और मोक्ष की बात समझने की कोशिश किए, उसमें अंत में हमारा सारा प्रयास के अंत में ये निकल गया, जो भ्रम बराबर बंधन, जागृति बराबर बंधन मुक्ति, ये निकला सर। कुआ क्या, कोड़ा क्या चीज है, पहाड़, निकला क्या चीज है, चूहे। एक छोटी सी चीज के लिए ये सब पहाड़ कोड़ना पड़ा, इसमें 25-30 वर्ष लगा, तो अंत में ये पता चला भ्रम बराबर बंधन। भ्रम कहां से आता है पूछे, ठीक है, उसका उत्तर मिला, जीवन शरीर को जब तक शरीर को जीवन माना रहता है, जीवन जब तक शरीर को जीवन माना रहता है तब तक भ्रम। जागृति कब से है पूछे, तो जीवन को जीवन माना जाए, शरीर को शरीर के रूप में पहचाना जाए, जीवन को जीवन के रूप में पहचाना जाए, जीवन की आवश्यकता को पहचाना जाए, शरीर की आवश्यकता को पहचाना जाए, इन दोनों को निर्वाह कर व्यवहार कर प्रमाणित किया जाए। इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए ये किया जाए समझदार बना जाए। समझदारी का बात पूरा हो गई कि अस्तित्व को समझने से समझदार, जीवन को समझने से समझदार, मानवतापूर्ण आचरण को समझने से समझदार, उसको प्रमाणित करने से प्रमाण, ठीक है, इस ढंग से बात बनी। यह हमारा अनुभव की पूरा का पूरा झांकी ऐसा सजी। उसके बाद यह अंतर्मुखी बहिर्मुखी की बात आई, उसमें व्यवहार में जब तक हम अंतर्मुख में जो समझदारी को उपार्जन करते हैं उसको हम व्यवहार में हम प्रमाणित नहीं करते हैं, हम समझदार होने का क्या क्या कहां प्रमाण है भाई। तो अंतर्मुखी होने का प्रयोजन यदि समझदारी के अर्थ में हम प्रयोग कर सकेंगे वो लाभदायी होगी, ऐसा मेरा कहना। इस विधि से तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी का प्रमाण व्यवहार में ही मनुष्य प्रमाणित करेगा, और कहीं प्रमाणित करने की जगह नहीं, ठीक है। अभी आप देखेंगे चित्रकूट में चले जाइए, ठीक है, जहां कहीं भी बैठा रहता है साधु, ठीक है, कैसा है बाबा, आनंद ये कहेगा,
ठीक है। तो कुल मिलाकर के लोग आया हुआ मुट्ठी भर चावल के लिए बैठा रहता है, 10 पैसे के लिए बैठा रहता है, आनंद बताता रहता है। ले भाई बाटिया आनंद को, चित्रकूट में जाके देखिए।